अफर्मेटिव के बाद हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं जो हमारे सभी प्रकार के इसमें मिक्सअप हैं। पहला हमारा एग्जांपल है वी शुड लव आवर कंट्री, एक हमारा मॉडल है शुड, और ये हमारी इसके साथ मैन वर्ब है। और आपको पता ही है कि मैन मॉडल के साथ मैन वर्ब हो तो बेस फॉर्म में आती है। तो ये देखिए हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो आवर कंट्री। और ये देखिए बाई अस, वी इधर आया गया तो अस में चेंज हो गया और बाई से जुड़ गया। और ये देखिए हमारी बेस फॉर्म है तो बी की बेस फॉर्म बी, और लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, और ये सुड का सुड। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको इस प्रकार के वाक्यों में बाई एस वगैरह नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए तो हमारे देश से प्रेम किया जाना चाहिए। द पुलिस कैन अरेस्ट द क्रिमिनल्स, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये हमारे ऑब्जेक्ट। तो देखिए द क्रिमिनल्स, ये बाई पुलिस आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि अरेस्ट करना पुलिस का ही काम है। ये हमारी कौन सी फॉर्म हुई, बेस फॉर्म। तो ये देखिए बी की बेस फॉर्म बी, और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, और कैन का कैन, क्योंकि कैन का तो कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो सिंगुलर के साथ है प्लूरल के साथ है सेम ही आता है। वी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, वी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ए ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ए डॉक्टर बाई अस, ऐसा कि अमूमन हम लगाते भी नहीं हैं लेकिन हमने समझाने के लिए लगा दिया है। कंसल्ट हमारी बेस फॉर्म है, तो देखिए बी की बेस फॉर्म बी, कंसल्ट का होगा कंसल्टेड, और शुड का शुड। ए डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड, बाई एस की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ही इज टू रीड द गीता, देखिए एक अलग ही प्रकार का सेंटेंस है, एक स्पेशल सेंटेंस हमने लिया है। ही इज के आगे टू है, देखिए इन्फिनिटिव है, ही इज टू रीड द गीता। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है द गीता। और ये देखिए हमारी कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटिव में हमेशा बेस फॉर्म होती है, तो देखिए टू बी, ये देखिए हमारी बी की बेस फॉर्म बी, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, बोल स्पेलिंग सेम है बोलने में अलग है। और ही इधर आ गए बाई हिम, और इज का इज, क्योंकि ही के साथ भी जाएगा गीता के साथ भी जाएगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर है। गीता इज टू बी रेड बाई हिम। ये देखिए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हमारे कैसे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, स्विच ऑन द लाइट्स, लाइटों को जला दो, स्विच ऑन द लाइट्स। तो देखिए ये हमारी मैन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और आप जानते ही हैं क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कई तरीकों से कर सकते हैं, इसके तीन तरीके हैं, हम इसमें जो कॉमन तरीका वही देखते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लेट से शुरू कर देंगे, लेट लगा देंगे, और फिर देखिए हमारा ऑब्जेक्ट लगा देंगे द लाइट्स। और ये देखिए ये हमारी कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म, तो बी की बेस फॉर्म बी आ गई, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म होगी स्विच्ड ऑन, क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसी भी पैसिव सेंटेंस में बी का कोई ना कोई रूप अवश्य आएगा। तो ये हमने बी लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि ये बेस फॉर्म है, और ये स्विच की हमने थर्ड फॉर्म कर दी स्विच्ड ऑन। पोस्ट द लेटर, देखिए पोस्ट द लेटर, लेटर को भेजो, लेटर को किसी को भेजो। हो सकता है कि जब हम ये बात किसी को कह रहे हैं तो हमारे जो मनोभाव हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हम किसी को ऐसा भी कह सकते हैं कि आपसे ये आदेश दिया जाता है आपको कि आप इस लेटर को भेजिए, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपसे ये निवेदन है कि आप इस लेटर को भेजिए। ये हम एक जनरल बात कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ लिखा कि स्विच ऑन द लाइट, एक जनरल बात है लाइट को ऑन करो। तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं, देखिए पहला तरीका जनरल बात हो तो लेट, जैसा हमने ये किया, जैसा कि हमने ये किया लेट, फिर द लेटर बी, और देखिए पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। दूसरा तरीका यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट द लेटर, यू आर ऑर्डर्ड द पोस्ट द लेटर। फिर ऐसा भी हो सकता है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड पोस्ट द लेटर। हमने तीनों मनोभावों के साथ हमने इसको कर दिया है। कैसा भी तरीका हम कर सकते हैं, एग्जाम में जो दिया हुआ हो हमारे ऑप्शन में उसको हम सही कर देंगे, और अगर हमें लिखना हो एग्जाम में तो हम तीनों में से कोई भी एक तरीका लिख सकते हैं। डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों को बेइज्जत मत करो, डोंट इंसल्ट द पुअर। तो ऐसे सेंटेंस, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो लेट से शुरू कर देंगे। और फिर देखिए ऑब्जेक्ट क्या, द पुअर द पुअर, और फिर ये देखिए नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने लिख दिया नॉट।
और ये देखिए बेस फॉर्म है तो ये लिख दिया हमने बी, और इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। हेल्प द नीडी, हेल्प द नीड, यहाँ नीड का मतलब जरूरतमंद लोग, यहाँ नीड का अर्थ क्या है, जरूरतमंद लोग। एक सामान्य बात है, लेट से भी शुरू कर सकते हैं, ये देखिए हमने लेट से लगा दिया, लेट द नीड बी हेल्प्ड। इस सेंटेंस को हम शुड के साथ भी कर सकते हैं, द नीड शुड बी हेल्प्ड, नीड शुड बी हेल्प्ड, इसका अर्थ है गरीबों की सहायता की जानी चाहिए, इसका अर्थ है गरीबों की सहायता की जाए, इसका अर्थ है गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। प्लीज़ गिव मी योर बुक, देखिए यहाँ पर प्लीज़ लगा दिया है, तो प्लीज़ लगाने से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ आदेश का भाव तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ जनरल बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्लीज़ लगाने से वाक्य में क्या लग रहा है, कृपया, तो ये प्रार्थना का भाव है। तो अगर इस प्रकार से कोई सेंटेंस हो जिसके शुरू में प्लीज़ लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज़ को हटा देंगे और आगे सेंटेंस सेम लिख देंगे, गिव मी योर नोट बुक। तो आपने इंपेरेटिव सेंटेंस देखे, और इंपेरेटिव सेंटेंस में हर प्रकार के सेंटेंस देखे। एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस देखते हैं जो लेट से शुरू है, हमने इस कॉलम वाले इंपेरेटिव सेंटेंस को हमने लेट से शुरू किया है, लेकिन ये तो पहले से ही लेट से शुरू है, तो इसका कैसे करेंगे, वही तरीका है हमारा। देखिए ये हमारी लेट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मैन वर्ब होगी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया था, हम क्या करेंगे, हम लेट का लेट लगा देंगे, और ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, और ये हमारी मैन वर्ब है, ये बेस फॉर्म है, तो ये देखिए बी सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, और ये बाई हर, बाई हर, इस प्रकार के सेंटेंस हमने देखे हैं। तो अभी हमने इंपेरेटिव सेंटेंस देखे थे, अब कुछ हम इंटरोगेटिव जो सेंटेंस हैं अपने वो देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज कि किस प्रकार से हम बनते हैं, तो ये भी बड़ा इजी है। हमने पिछले वाले वीडियो में ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से हमारे पास एक एक्टिव से पैसिव बनाने की 100 ट्रिक्स है, ये केवल बी का ही कमाल है। तीन चीज़ें होती हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में, एक होती है हमारी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरचेंज होता है, और दूसरा हमारे पास होता है बी, बी का कोई ना कोई रूप इसमें अवश्य आता है, और फिर होता है कि हमारी मैन वर्ब इसमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। तो ये जो तीन ट्रिक है हमारी, इसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में की है, तो अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य ही देखें, ताकि आज का वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आए। व्हाई डज सी टीच चिल्ड्रेन, तो देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो WH वर्ड वो हमने लिख दिया है वाई, और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो देखो जैसे पहला काम होता है हमारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करना, तो हमने यहाँ सी की जगह लिख दिया चिल्ड्रेन, सी की जगह हमने लिख दिया चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन की जगह लिख दिया हमने सी, तो सी जरा आएगा तो वो चेंज हो जाएगा वाई है। और ये कैसे चेंज होगा, ये अभी हम एक छोटा सा जो प्रोनाउन जो है हमारा केस, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, उसमें हम देख चुके हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरा काम बचा बी का रूप, तो ये देखिए डज और टीच का हमें काम करना है, तो ये हमारी है फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी क्या है फर्स्ट फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होती है तीन इज आर एम, तो चिल्ड्रेन के अनुसार लगेगी आर, और ये हो जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म जो कि अवश्य होगी, क्योंकि पैसिव में मैन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में होती है। हाउ डिड ही सॉल्व द सम, तो देखिए हाउ का हमने लिख दिया सबसे पहले, और ये देखिए हमारा सब्जेक्ट और ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो देखिए द सम, और ये बाई हिम, बाई हिम, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए डिड सॉल्व का हमें काम करना है, ये हमारी है सेकेंड फॉर्म, तो बी की सेकेंड फॉर्म हमारे पास क्या है वाज वर, तो देखिए सम के साथ आएगी वॉज, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, क्या हो जाएगी सोल्ड, हाउ वॉज द सम सोल्ड बाई हिम, वेयर डू दे बाई द बुक्स, ये देखिए हमने अपना WH वर्ड लिख दिया वेयर, और ये देखिए हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो आपस में इनका अदला बदली, तो देखिए द बुक्स, और ये इधर लग जाएगा बाई दे, किस में चला जाएगा दे में, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, कई बार हम बाई दे में लगाते भी नहीं हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है आपको। डू दे, तो ये देखिए डू दे क्या है फर्स्ट फॉर्म, तो हमारे पास बी की फर्स्ट फॉर्म है तीन इज आर एम, तो बुक्स के साथ आएगी आर, और बाई की थर्ड फॉर्म बोट,
तो बी का जो कैसे यूज होता है, बी की बेस फॉर्म कौन सी होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, ये जानने के लिए आप पिछले वाला वीडियो है वो अवश्य देखें। व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो देखिए व्हेन हमने सबसे पहले लिख दिया व्हेन, और यू हमारा सब्जेक्ट है और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू की जगह आ गया फुटबॉल और फुटबॉल की जगह आ गया बाई यू, क्या आ गया बाई यू, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए प्लेइंग वर, प्लेइंग कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग, तो बीइंग प्लेड, क्योंकि प्ले की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी पैसिव में। और ये देखिए वाज और वर दो होते हैं, यू के साथ आया वर, फुटबॉल के साथ आएगा वॉज। हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड, ये हमारा देखिए डब्ल्यू एच वर्ड है, और इसके अलावा ये एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसी रूप में दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता तो हमने लिख दिया हाउ मैनी बुक्स, या आप ये समझे कि ये डब्ल्यू एच वर्ड है तो हमने सबसे पहले लिख दिया, यू चला जाएगा लास्ट में क्योंकि सब्जेक्ट जाएगा आगे, तो बाई यू ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब हमारे पास डू और रीड का काम बच गया, रीड है हमारी फर्स्ट फॉर्म, तो बी की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है तीन इज आर एम, तो देखिए बुक्स के साथ आएगी आर, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग सेम होती है, उच्चारण में थोड़ा डिफरेंस होता है। हाउ मैनी बुक्स आर रेड बाई यू, हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, रामायण की रचना किसने की, तो देखिए ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है, इसके अलावा ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि वर्ब के पहले क्या होता है सब्जेक्ट। और ये देखिए द रामायण हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारा नियम ये है कि हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं, तो ये हु है वो आगे चला जाएगा, लेकिन क्योंकि एक नियम ये भी है कि हम डब्ल्यू एच वर्ड को हमेशा सेंटेंस के पहले रखते हैं, तो अभी हमने देखा कि हु है वो बदल कर किस में हो जाएगा हुम, तो हमने जो प्रोनाउन चार्ट देखा था उसमें हमने ये देखा था कि हु बदल कर किस में हो जाता है हुम। और ये देखिए रामायण इधर आ गया, तो इधर आ गया द रामायण, ठीक है, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए रोट का हमें काम करना है, रोट कौन सी फॉर्म है, रोट है सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वोज वर, तो देखिए रामायण के साथ क्या आएगी वोज, और रोट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटर्न, और ये देखिए बाई होम, तो बाई इधर लग जाएगा, हम बाई को यहाँ पर भी लगा सकते हैं लेकिन वो शुरुआत में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हमने उसको लास्ट में लगा दिया। हु होम और आगे हम वाट के सेंटेंस देखेंगे, उनमें थोड़ा सा स्पेशल हमें अटेंशन रखने की ज़रूरत है क्योंकि हु होम और वाट के जो सेंटेंस होते हैं थोड़े से टिपिकल होते हैं। हु हैज़ स्टोलन हर पर्स, देखिए हु हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है, इसके अलावा ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट आगे चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट है हर पर्स, ये इधर आ जाएगा, लेकिन वही नियम है कि हमें डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे पहले रखना पड़ता है, तो हु किस में बदल जाएगा होम, हु किस में बदल जाएगा होम, और ये देखिए हर पर्स इधर आ गया क्योंकि ये क्रिया के बाद में है, तो क्रिया से ये पहले आ गया। ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है बीन, तो ये बीन होगी। स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन, क्योंकि पहले से थर्ड फॉर्म है, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और ये देखिए हमारे पास हैज और हैव दो होते हैं, तो ये हैज भी सिंगुलर के साथ आता है, और यहाँ पर भी देखिए पर्स सिंगुलर तो हैज आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें बाई और लगाना पड़ेगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा बाई, बाई को हम सेंटेंस के शुरुआत में भी लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि वो शुरुआत में डब्ल्यू एच वर्ड ही आता है। होम डिड यू लाफ एट, होम डिड यू लाफ एट, हमें अभी हमने देखा था कि हु है वो बदलकर होम में चेंज हो जाता है, तो जो होम है वो किस में बदलकर चेंज हो जाएगा, वो बदलकर चेंज हो जाएगा हु, किस में बदल जाएगा वो हु। और ये देखिए यू जो सब्जेक्ट है वो आगे लग जाएगा बाई यू, बाई यू, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये देखिए डिड और ये लाफ एट, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो अभी हमने देखा कि जो हमारी बी है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है वाज एंड वर, तो देखिए हु के साथ क्या आएगा वाज, हु के साथ क्या आएगा वाज, और लाफ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाफ्ड, लाफ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लाफ्ड, और ये एट, हु वाज लाफ्ड एट बाई यू, हु वाज लाफ्ड एट बाई यू, होम हैव यू हेल्प्ड, ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट भी है, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ये डब्ल्यू एच वर्ड भी है और इंट्रोगेट हमारा ऑब्जेक्ट भी है, ये हमारी वर्ब है हेल्प्ड और है, और ये हमारा सब्जेक्ट है।
तो देखिए सब्जेक्ट आगे चला जाएगा तो बाई यू से हो जाएगा, हमने बाई यू लगा दिया है और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया है। हु बदल कर हो जाएगा, सॉरी हुम बदल कर हो जाएगा हु में। अब देखिए हैव हेल्पड हमारे पास बच्चा है, ये हमारी है थर्ड फॉर्म, हैव हेल्पड है हमारी थर्ड फॉर्म। तो देखिए थर्ड फॉर्म बी की क्या होती है, बीन, क्या होती है बीन, और हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्प्ड। ये पहले से थर्ड फॉर्म है तो हमने थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म लिख दी है। देखिए यू के साथ आया हैव और यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट अननोन, पता ही नहीं कि एक है दो है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे हैज। हु हैज़ बीन हेल्प्ड बाई यू। तो अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे जिसमें विशेष रूप से हमने डब्ल्यू एच ओ हु और डब्ल्यू एच ओ एम हुम के सेंटेंस भी हमने देखे। अब कुछ हम वोट के सेंटेंस देखते हैं और अन्य कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वाट डज सी ईट, वह क्या खाती है। इसमें देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा है इंटरोगेटिव। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, इंटरोगेटिव ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि हमें सी को आगे ले जाना है और ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, तो वो पहले से ही इधर है, वो डब्ल्यू एच फॉर्म में है। देखिए वाट, और ये देखिए बाई, सी इधर आएगा तो बाई ह, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वाट का काम हो गया, सी का काम हो गया। अब बच्चा हमारे पास डज ईट, ईट कौन सी फॉर्म है, डज ईट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर, तो वाट के साथ क्या लगाएं इज, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, वाट इज ईटन बाय हर, वाट आर यू डूइंग। ये देखिए हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, वर्ब के आगे क्या होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है इंटरोगेटिव फॉर्म में, तो वो हमने लगा दिया, ये लिखिए वाट। आर लास्ट में आ गया बाई यू, बाई यू, क्योंकि यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में स्पेलिंग सेम होती है। अब हमारे पास बच गया आर डूइंग, ये कौन सी फॉर्म है, आई एन जी फॉर्म है, तो बी की आई एन जी फॉर्म बींग, डू की थर्ड फॉर्म डन, और देखिए आर के साथ, सॉरी यू के साथ आर आया, वाट के साथ क्या आएगा इज, वाट इज बींग डन बाई यू, वाट विल यू बाई नेक्स्ट वीक। ये देखिए हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट है, ये अन्य इन्फॉर्मेशन है। तो ऑब्जेक्ट हमें पहले लिखना है और वो क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म में है तो वो पहले से ही इधर है। यू इधर आ जाएगा बाई यू, और फिर आ जाएगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यू का काम हो गया, नेक्स्ट वीक हमने लिख दिया, वाट हमने लिख दिया, विल बाई, यहाँ पर देखिए विल के साथ जो फॉर्म आती है वो कौन सी आती है, बेस फॉर्म। तो बी की बेस फॉर्म बी, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, और विल का विल। वाट डिड दे डिमांड, ये देखिए हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा इंट्रोगेटिव है, तो हमने लिख दिया वाट। डिड को बाद में देखेंगे, देखिए दे चला जाएगा बाई देम, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये कौन सी फॉर्म है, डिड डिमांड सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर, तो वाट के साथ वॉज। डिमांड की थर्ड फॉर्म डिमांडिड, वाट वॉज डिमांडिड बाई देम। शुड द डॉक्टर एग्जामाइन हर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। देखिए ये ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो सीधा ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, सीधा ही ऑक्सिलरी से शुरू होता है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हुआ है। तो जब ऐसी हालत हो तो हम सीधा ही हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। तो देखिए क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी हम बाद में देखेंगे। तो डॉक्टर की जगह हर और हर की जगह डॉक्टर, तो हर इधर आ जाएगा तो सी, और ये होगा बाई डॉक्टर, बाई डॉक्टर, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये कौन सी फॉर्म है, सुड के साथ फॉर्म आती है बेस फॉर्म, तो बी की बेस फॉर्म बी, और एग्जामाइन की थर्ड फॉर्म एग्जामाइंड, एग्जामाइन की थर्ड फॉर्म एग्जामाइंड, और सुड का सुड, सुड का क्या हो जाएगा सुड, सुड सी बी एग्जामाइंड बाई डॉक्टर। डिड ही बाई ए न्यू कार, ये भी देखिए सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हमारा जो अब सेंटेंस होगा वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इनकी देखिए अदला बदली कर देते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अभी देखेंगे कि डिड की जगह क्या आएगा, ही की जगह आ जाएगा ए न्यू कार, और ए न्यू कार की जगह चला जाएगा बाई हिम, ही इधर आया तो किसने बदल गया हिम। डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। देखिए डिड बाई कौन सी है, सेकंड फॉर्म। तो बी की सेकंड फॉर्म वाज वर, न्यू ए न्यू कार के साथ क्या आएगा वाज, और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट। हैव यू टेकन फूड, हैव यू टेकन फूड, तो देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है,
ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों की अदला बदली कर देते हैं। यू की जगह फूड और फूड की जगह बाई यू, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। और टेक, क्योंकि टेकन ये पहले से थर्ड फॉर्म है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, हैव और हैज दो होते हैं जो एक ही टेंस में काम आते हैं। यू के साथ हैव आया, फूड के साथ हैज आएगा। ही बाइज हिज डॉटर ए डॉल। यहाँ पर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट कितने ही हो, दो क्यों, दो से भी ज़्यादा हो, हमें कोई समस्या नहीं है। हम दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, हम दोनों में से किसी एक को ले लेंगे इधर, और ये सब्जेक्ट उनकी जगह चला जाएगा। तो देखिए ये एक सजीव है और एक निर्जीव है, तो सजीव को इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हिज डॉटर, ये क्या बच गया, ए डॉल, और ये बाई ही का हो जाएगा हिम, और ये फुल स्टॉप। अब बाई बच गया, बाई कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो बी की बस फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम। तो डॉटर के साथ क्या आएगा? इज। और बाई की थर्ड फॉर्म? बोट। बाई की थर्ड फॉर्म? बोट। हर डॉटर इज बोट ए डॉल बाई हर। अब देखिए ए डॉल लेकर बना देंगे, ए डॉल। जब हमने डॉटर को इधर लिया था तो डॉल इधर बच गई थी, अब डॉल को इधर ले लिया तो हिज डॉटर इधर बच गई। देखिए हिज डॉटर बाई हिम, और ये फुल स्टॉप। अब देखिए बाई कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, डॉल के साथ आएगी इज, और बाई की थर्ड फॉर्म बोट। इसमें एक ऐसा नियम है कि जब हम नर्जी वस्तु को इधर लेते हैं तो जब हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो उसके साथ टू लगा देते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो एक्टिव पैसिव के जो अपने एक्सरसाइज हैं उनको गहनता से देखा। पिछले वाले वीडियो में मैं भी अपनी जो ट्रिक्स है उसको भी देखा कि किस प्रकार हम बिना किसी नियम के एक केवल ट्रिक्स के माध्यम से हम एक्टिव पैसिव के टॉपिक को हम अच्छे से सही इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।